आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो महिला हैं जिन्होंने लालू जी के घर को ही नहीं बल्कि उनकी सत्ता को भी संभाला है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी जी हमारे स्टूडियो में हैं। राबड़ी जी आपका स्वागत है। नमस्ते। राबड़ी जी, बिहार को संभालना इतना मुश्किल है और आपने 5 साल बिहार को बिना टेंशन कैसे संभाला? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिसने 32 साल लालू जी को संभाला हो उसको 5 साल कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या बात है, 50 साल भी संभाल सकते हैं बिहार को। ये बात है। अच्छा, कोई बात ऐसी भी है जो बिहार में और लालू जी में अलग अलग हो? है ना, बिहार की जनता बहुत भोली है, कंट्रोल में आ जाती है, लालू जी कंट्रोल में ही आते। तभी आप फैमिली प्लानिंग कर नहीं पाई, इसका अफसोस है आपको? नहीं नहीं, उससे तो हमको फायदा हुआ है। तभी तो लालू जी रेलवे मिनिस्टर साबित हुए। बढ़िया, पहले तो बच्चों को लेकर रेलगाड़ी चलाते थे, छोटे थे बच्चे, चुक 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 ऐसा रेलगाड़ी चलाते थे। आज तो पूरे देश में उनकी रेलगाड़ी चल रही है, इसमें तो फायदा ही हुआ है ना। वाह, आपका कॉमन सेंस तो कमाल का है। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? हम पढ़े हैं देखो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पढ़ा। अगर पोस्ट ग्रेजुएट होती तो पोस्टमैन होते और का। अच्छा राबड़ी, जब देश भर में आरक्षण का मुद्दा काफी गर्म है। आरक्षण का होता है? रिजर्वेशन ऐसा हिंदी में कहो ना, रिजर्वेशन। अच्छा, आप गरीबों और पिछड़ों को रिजर्वेशन देने के हक में हैं? बिल्कुल हक में है, और ये काम तो हम ही कर सकते हैं। हम लालू जी से कह करके हर रेलवे स्टेशन पर एक खिड़की रिजर्वेशन का खोल के रख देंगे गरीबों के लिए, हर स्टेशन पर। देखे, अच्छा है, इसमें भी देश का ही फायदा है। लेकिन आपके राज में बिहार में सिर्फ जेल में ही डेवलपमेंट हुआ है, बाहर नहीं, ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारे जितने रिश्तेदार हैं वो सब जेल में हैं, ध्यान तो रखना पड़ता है ना। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों के समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा मतलब ये है कि जितने भी अपराधी हैं वो अंदर रहने से बाहर जो है सुख चैन अमन बरकरार रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बाहर ही घूमते रहेंगे ना, इसलिए हमने जेल में सारी सुविधाएं दे रखी है, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, आने जाने के लिए बाहर गाड़ियां, ये सब सुविधा दे रखी है। कभी ऐसा हुआ कि कहीं आपको अकेला जाना पड़ता था, या कोई ऐसा काम होता था जहां पर आपको अकेले जाना पड़ता था या खुद को डिसीजन लेना पड़ता था, तो आप क्या करते थे? हम कभी अकेले नहीं गए, अगर कभी जाना पड़ता अकेले ना तो लालू जी हमारे जगह साड़ी पहन के चले जाते थे। क्या? लालू जी खुद साड़ी पहन के जाते थे, उन्हें कोई पहचानता नहीं था? पहली बात तो यह है कि बिहार में हमको कोई आंख उठा के देख नहीं सकता, अगर कोई देख भी ले तो हमें और लालू जी में कोई फर्क नहीं कर सकता, क्योंकि साड़ी पहन लेंगे ना लालू जी तो हम ही लगते हैं। ये तो टू मच हो गया राबड़ी जी। अच्छा, कभी ऐसा मौका है कि आपको कभी लालू जी बनना पड़ा? वो काम तो हमने तुम जैसे नौटंकी वालों के लिए छोड़ दिया है, हम किसी के पेट पर लात नहीं ना मारते। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। हाँ, रही सत्ता की बात, अभी तो हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, थोड़ा होमवर्क भी करेंगे, ऑब्जर्वेशन भी करेंगे का हो रहा है बिहार में, फिर उसके बाद में फिर लड़ेंगे इलेक्शन, फिर आएंगे। बिहार हमारे बगैर कोई नहीं चला सकता। अब थोड़ा देर हम इसलिए आराम कर रहे हैं ताकि ये लोगों को ये ना लगे कि हम लोग बार बार सीट पर बैठ रहे हैं, बार बार कुर्सी पर बैठ रहे हैं। माँ, आप मेरी माँ हैं। टू मच हो रहा है, समझे कि नहीं? समझे, टू मच का प्रोग्राम करते हो, इतना भी नहीं। नमस्ते। लालू जी कभी बुला लो यहाँ, तुम्हारी छुट्टी करेंगे तब पता चलेगा। आप हमारे स्टूडियो में आई और जो आपने मारा है, लालू जी का भी जवाब नहीं और आपका भी जवाब नहीं। आप तो क्या टू मच है।